रुपए पैसे और समृद्धि को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आपने इस लक्ष्मी यानी पैसे के कई रूप देखे होंगे अभी तक, जैसे भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोप का यूरो। ये तमाम करेंसीज लक्ष्मी का ही रूप है। इनमें से ज्यादातर करेंसीज कागज से बनी होती हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं और इन्हें छूकर महसूस भी कर सकते हैं। आप जिस भी देश में जाते हैं, आपको उसी देश की करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने ऐसी करेंसी के बारे में सुना है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बन गई है? हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। अगर इंटरनेट एक देश होता तो शायद बिटकॉइन इंटरनेट की राष्ट्रीय करेंसी होती। हो सकता है कि बिटकॉइन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा उनमें से भी बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये कैसे काम करती है, बिटकॉइन होता क्या है। इसलिए आज हमने तय किया है कि हम दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी का विश्लेषण आपके लिए करेंगे, क्योंकि इस करेंसी के एक सिक्के की कीमत आज की तारीख में करीब 45,000 रुपए है। ये अलग बात है कि ये सिक्का किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये एक तरह का डिजिटल सिक्का है। आज हमने इस खबर के विश्लेषण का फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि दुनिया में पहली बार बिटकॉइन के रूप में हुए लेन देन को एक भारतीय एजेंसी फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। बिटकॉइंस का इस्तेमाल करके ड्रग तस्करों ने पैसे का लेन देन शुरू कर दिया है, और अब इस लेन देन की रकम में से करीब 500 बिटकॉइंस को फ्रीज करने की तैयारी भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर ली है। हम आपको बता दें कि एक बिटकॉइन की आज की कीमत 45,000 रुपए है। इस हिसाब से जब्त की जाने वाली रकम होगी करीब 2,25,00,000 रुपए। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम करता है और क्यों दुनिया भर के लोग बिटकॉइंस खरीदना चाहते हैं। हम इन सभी सवालों के जवाब आज आपको देंगे। बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जो खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति को रकम भेज सकता है, पैसा भेज सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। यानी आप जो भी पैसा किसी को भेजना चाहते हैं, उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से पैसा ट्रांसफर करने पर आपको सिर्फ 2.5 सेंट यानी करीब 1.67 रुपए की फीस देनी होती है, जो कि बहुत ही कम है, मामूली है। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी दुनिया में पैसों के कानूनी लेन देन के लिए बैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां तक कि किसी देश में कितनी करेंसी का सर्कुलेशन होगा, ये भी बैंक और वहां की सरकारें तय करती हैं। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर किसी एजेंसी, बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे दो लोगों के बीच होता है। ये लेन देन आर्थिक लेन देन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, यानी ये पैसों के लेन देन का एक सुरक्षित और सुपर फास्ट तरीका है। लेकिन इस आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया में आपके वॉलेट में नोट्स नहीं आते, करेंसी नहीं आती, बल्कि कुछ डिजिटल कोड्स आते हैं, और यही कोड्स आप तक पहुंची हुई रकम होती है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। 5 वर्ष पहले तक एक बिटकॉइन सिर्फ 6 रुपए का था, लेकिन आज एक बिटकॉइन 45,000 रुपए का हो गया है। बिटकॉइन की शुरुआत आज से 7 वर्ष पहले 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो नाम के एक प्रोग्रामर ने की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि सतोशी नाकामोतो कौन है, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग सतोशी नाकामोतो होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के असली जनक के बारे में अभी भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सतोशी नाकामोतो ने जब बिटकॉइन की शुरुआत की थी, तब उनका मकसद इसे करेंसी में बदलना नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ ये साबित करने के लिए किया गया था कि बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद के भी आर्थिक लेन देन किया जा सकता है, यानी ये सीधे दो लोगों के बीच भी संभव है। 22 मई 2010 को पहली बार एक पिज्जा के बदले 10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की गई थी, यानी तब एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 10 सेंट थी या 10 सेंट से भी कम थी।
लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत कई हजार गुना बढ़ चुकी है। बिटकॉइन के प्रचलन में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसे खरीदने की कोशिश करने लगे हैं और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान और अलग अलग ताकतें। लेकिन पूरी दुनिया में एक चीज ऐसी है जो आपस में सबको जोड़ती है और वो चीज है पैसा। आज लगभग हर काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो खाना खरीदना हो, पानी खरीदना, घर खरीदना, हथियार खरीदना, यानी हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। कई लोगों की जिंदगी इस पैसे को कमाने के चक्कर में खर्च हो जाती है। पैसे के लिए लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपराध करते हैं और यहाँ तक कि लोगों का खून भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसे, ये करेंसी और कागज का वो टुकड़ा जिसे हम नोट कहते हैं असल में है क्या? दरअसल जो कागज का नोट आपकी जेब में है वो एक तरह का वादा है। वादा है आपको कागज के टुकड़े पर लिखी गई रकम चुकाए जाने का। जब आप ये नोट किसी दुकानदार को देते हैं तो वादे का ये कागज उसके पास पहुंच जाता है और वो दुकानदार बदले में आपको सामान दे देता है। यानी कागज के इस नोट का पूरा मूल्य सिर्फ वो वादा है जो आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। लेकिन जब कागज के यही नोट आप बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक उसमें से एक बड़ी रकम दूसरे लोगों को उधार दे देता है, जबकि आपके अकाउंट में आप अपनी जमा की गई रकम देख पा रहे होते हैं, हालांकि असलियत में वो रकम वहां होती नहीं है। उधार लेने वाला व्यक्ति उसी पैसे से सामान खरीदता है और वो पैसा एक बार फिर बैंक में पहुंचता है। बैंक उस पैसे को फिर उधार के तौर पर दे देता है और उस पर ब्याज भी वसूलता है। इस तरह से कागज के टुकड़े पर किया गया वादा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा वादा बन जाता है। सच यह है कि अगर 3% लोग भी बैंकों में जमा अपना पैसा एक साथ वापस मांग ले तो बैंकों के पास देने के लिए कैश होगा ही नहीं, क्योंकि वो कैश यानी आपके द्वारा बैंक को सौंपे गए नोट एक बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। और इस पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है सरकारों का और बैंकों का। यानी सरकार और बैंक के स्तर पर अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन बिटकॉइन इसी खतरे और बैंकों और सरकार के इसी नियंत्रण को दूर करने की कोशिश है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और एक सॉफ्टवेयर है। बिटकॉइन इंटरनेट की दुनिया से जुड़े कंप्यूटर्स के जरिए पेमेंट का नया तरीका है। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो ने किया था। लेकिन आज दुनिया भर के हजारों प्रोग्रामर बिटकॉइन के फीचर्स को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहे हैं। जब हम सामान्य तौर पर साधारण करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी देखरेख का जिम्मा बैंकों का होता है। यानी पैसा कहां से चलकर इनके पास पहुंचा, इसका पूरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखते हैं और इसके बदले में बैंक फीस के रूप में अच्छी खासी रकम आपसे वसूलते हैं। और बिटकॉइन पैसों के लेन देन के बीच से बैंक और मिडिलमैन को हटाकर इसे ज्यादा तेज और सुरक्षित बना देता है। अब सवाल यह है कि एक डिजिटल करेंसी के साथ तो काफी छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर फिल्मों की तरह इसकी पायरेसी भी हो सकती है। तो इसका जवाब है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सतोशी नाकामोतो के आविष्कार की खासियत यह है कि बिटकॉइन आम लोगों के बीच बटे ब्लॉकचेन में भेजा जाता है। जैसे बैंक आपके पैसे का हिसाब प्लस और माइनस में रखते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में हर एक बिटकॉइन का हिसाब रखा जाता है। यानी दुनिया में कहीं भी और कभी भी हुए किसी भी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का हिसाब हमेशा ब्लॉकचेन में मौजूद रहता है। और इस ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखने वाले लोगों को भी लेन देन पर नजर रखने के लिए, ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखने के लिए इनाम के तौर पर बिटकॉइन दिए जाते हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है और नेटवर्क इसका रिकॉर्ड रखता है, इसलिए इसमें धांधली नहीं की जा सकती। असीमित पैसा घोटालों को जन्म देता है, स्कैम्स को जन्म देता है और आर्थिक मंदी की वजह भी बनता है। किसी को नहीं पता कि इस वक्त दुनिया में कितने डॉलर्स हैं, लेकिन अगले 125 वर्षों के दौरान बनने वाले बिटकॉइंस की संख्या अभी से निर्धारित है। बैंक कई ऐसे लोगों को पैसे भी उधार देते हैं जिनका इरादा ये पैसे वापस करने का नहीं होता। ये लोग या तो खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं या देश छोड़कर चले जाते हैं और इसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है।
लेकिन डिजिटल करेंसी पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये एक ऐसी कंप्यूटर कोडिंग है जिसके साथ घोटाला भी नहीं किया जा सकता। ये नया ट्रेंड है और देखिए आने वाले समय में समय डिजिटल वर्चुअल करेंसीज का होने वाला है। बिटकॉइंस क्योंकि सर्व प्रमुख डिजिटल करेंसी है, लिहाजा उसकी लोकप्रियता और उसका प्रचलन और बढ़ चुका है। बिटकॉइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेमिटेंसेस के क्षेत्र में बढ़ रहा है। रेमिटेंसेस उस रकम को कहते हैं जो विदेश में काम करने वाले लोग अपने मूल देश में भेजते हैं। आपको बता दें कि रेमिटेंसेस हासिल करने के मामले में भारत दुनिया का नंबर एक देश है। देश से बाहर रहने वाले भारतीयों ने 2015 में 4,62,000 करोड़ रुपए की रकम भारत भेजी थी। आमतौर पर यह रकम बैंक के जरिए या मनी ट्रांसफर एजेंसियों के जरिए भेजी जाती है और बैंक्स और एजेंसीज रकम ट्रांसफर करने के लिए 5% से 30% की फीस वसूलते हैं। पूरी दुनिया में मनी ट्रांसफर पर औसतन 10% का चार्ज लगता है, यानी जो रकम हर साल भारत से बाहर रहने वाले भारतीय अपने घरों में भेजते हैं उसमें से औसतन 46,000 करोड़ रुपए इस फीस के रूप में चुकाए जाते हैं। यह बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसकी जो मैकेनिज्म है और जो लोग इसको हैंडल करते हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड संस्थाएं होते हैं। ये सामान्य करेंसी के पैरेलल काम करने वाली करेंसी है जिसका इस्तेमाल दुनिया में हर दिन बढ़ रहा है। दुनिया की हजारों कंपनियां अब पेमेंट के लिए बिटकॉइन को स्वीकार कर रही हैं। आप फोन खरीदने से लेकर होटल बुक कराने, कार खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी और यहाँ तक कि कॉफी खरीदने के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के साथ खतरे नहीं है। सरकार का नियंत्रण न होने की वजह से इस करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। लोग गलत कामों के लिए प्रतिबंधित वस्तुएं खरीदने के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया भर की कई सरकारें और बैंकर्स इसे कानूनी मान्यता देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन बिटकॉइन का सारा हिसाब किताब इंटरनेट पर मौजूद रहता है, यानी बिटकॉइन काले धन की समस्या को भी समाप्त कर सकता है और पैसों के लेन देन में नई तरीके की पारदर्शिता ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस बिटकॉइन के निर्माता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, जिस बिटकॉइन को चलाने वाले लोगों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, वो डिजिटल करेंसी आखिर काम कैसे करती होगी और बिटकॉइंस निकलते कहां से हैं? तो आपको बता दें कि बिटकॉइंस का आदान प्रदान पेयर टू पेयर तकनीक से होता है, यानी ये रकम एक कंप्यूटर से सीधे दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। लेकिन इस लेन देन को सुरक्षित बनाते हैं वो हजारों लोग जो अपने ताकतवर कंप्यूटर्स की मदद से इन ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं और इनकी जांच करते हैं, और जो भी व्यक्ति ऐसा सफलतापूर्वक कर लेता है उसे इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइंस दिए जाते हैं। इसे बिटकॉइन की माइनिंग कहा जाता है। दरअसल कोड लैंग्वेज में होने वाले इस आदान प्रदान को वेरीफाई करने वाले हजारों लोग इस प्रक्रिया में बैंक के एक क्लर्क की तरह काम करते हैं और इन्हें माइनर्स कहा जाता है। ये लोग ट्रांजैक्शंस पर नजर रखते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए इन माइनर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल करनी होती है। जो माइनर जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में करीब 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं और इस तरह से बिटकॉइंस डिजिटल बाजार में आ जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था का निर्माण इस तरह से किया गया है कि एक निश्चित समय के बाद बिटकॉइंस की संख्या घटकर आधी रह जाती है। शुरुआत में एक ब्लॉक से 50 बिटकॉइंस निकला करते थे। प्रति ब्लॉक बिटकॉइंस की संख्या हर 4 वर्ष में घटकर आधी रह जाती है। इसलिए आज से 125 वर्षों के बाद यानी सन 2140 तक नए बिटकॉइंस का निर्माण बिल्कुल बंद हो जाएगा। गणना के हिसाब से तब तक दुनिया में कुल 2,10,00,000 बिटकॉइंस आ चुके होंगे। बिटकॉइन भविष्य की करेंसी है और भविष्य में खत्म भी हो जाएगी, इसलिए लोगों में ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खरीदने की होड़ मची हुई है। अगर आपको अब भी ये बात समझ में ना आई हो तो आपको एक उदाहरण की मदद से समझाते हैं। मान लीजिए कि इस महीने भारी मात्रा में सोने यानी गोल्ड की खुदाई की गई हो और उसे सामान्य कीमत पर लोगों में बांट दिया गया, लेकिन अगले महीने सोने की खुदाई आधी रह गई जबकि खरीदने वाले लोगों की संख्या पहले जैसी ही है, तो ऐसे में सोने की कीमत बढ़ जाएगी और अगर हर महीने ऐसा होता रहे तो सोचिए सोने की कीमत कितनी हो जाएगी। बिटकॉइन की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही काम करती है। लोगों को पता है कि बिटकॉइंस की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये डिमांड और सप्लाई का सामान्य फॉर्मूला है। सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। भारत में सन 2015 में एक बिटकॉइन की कीमत 14,000 रुपए थी जबकि मई 2016 में यह बढ़कर
30,000 रुपए प्रति बिटकॉइन हो गई और आज के रेट के हिसाब से एक बिटकॉइन की कीमत करीब 45,000 रुपए है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2018 तक एक बिटकॉइन की कीमत करीब $10,000 तक जा सकती है, यानी आज के करेंसी रेट के हिसाब से 6,68,000 रुपए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन की व्यवस्था में निवेश कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि बिटकॉइन भविष्य की अर्थव्यवस्था है और आगे चलकर आज के नोटों की अहमियत कम हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में करीब 800 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, जबकि दुनिया की आबादी 700 करोड़ है। इसके उलट अभी भी दुनिया में 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यानी वो सभी लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं अगर बिटकॉइन का इस्तेमाल करने लगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली बन जाएगी, और वो भी एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें किसी भी सरकार या किसी वित्तीय संस्थान का दखल नहीं होगा। वित्तीय लेनदेन का सुरक्षित, तेज और आधुनिक तरीका होने के बावजूद बिटकॉइन के अपने कई खतरे हैं और वो भी आज हम आपको बताएंगे। इसलिए बहुत सारे देश अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। इसके अलावा एनक्रिप्टेड होने की वजह से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले माफिया और दूसरे आपराधिक तत्व भी वित्तीय लेनदेन के लिए बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खतरनाक है। बिटकॉइंस का बढ़ता इस्तेमाल देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिवाली की शाम को होने वाली लक्ष्मी पूजन का तरीका भी हो सकता है बदल जाए, और तब शायद लोग अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स पर बिटकॉइन के वॉलपेपर्स लगाकर उसकी पूजा करने लगे।